नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि मित्र इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे प्याज के रोपे में पीलेपन से संबंधित बीमारियों की और उनके इलाज की। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक कृषि मित्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो शुरू करते हैं। प्याज में पीलेपन की समस्या बहुत ही आम तौर पर पाई जाती है और रोपे में अगर पीलेपन की समस्या हो तो नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। तो ये पीलापन किन कारणों से होता है, इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो पीलेपन के चार कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, न्यूट्रिएंट्स की कमी। दूसरा, फंगल अटैक यानी कि फफूंदों से जुड़ी हुई बीमारियाँ। तीसरा, टर्माइट्स का अटैक यानी कि दीमक। और चौथा, फसल में ज़्यादा नमी। तो आपके प्याज के रोपे में किस कारण से पीलापन आया है, आपको ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। तो जब आप खेत में जाए और प्याज के रोपे के प्लाट को देखें, अगर पीलापन एक समान है यानी कि सारा खेत एक समान पीला है तो इसका मतलब यह कि आपके खेत में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है यानी कि पोषक तत्वों की कमी। क्योंकि जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन आता है। और अगर आपकी फसल में पीलापन एक समान नहीं है, धब्बों धब्बों में आपकी फसल पीली हुई है, अगर प्याज के रोपे में पीले रंग के धब्बे बने हुए हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम पीलापन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके खेत में फंगस अटैक हुआ है यानी कि रोपे में फफूंद लग चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों की कमी के बारे में। अगर आपके फसल में किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी है तो आप कोई भी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हो यानी किसी भी प्रकार का टॉनिक जिससे आपके फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं जैसे कि सिंजेंटा का आइसोबियोन, ये टॉनिक आता है, बायर का प्लानोफिक्स, लाइकोसिन, ऐसे बहुत सारे टॉनिक मार्केट में अवेलेबल है। इनमें से आप किसी एक टॉनिक का छिड़काव कर दें, इससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आपके खेत में फंगल अटैक हो चुका है यानी कि फफूंद से रिलेटेड बीमारी हुई है तो आपको आपकी जो रोपे की पत्तियां है पीली पड़ेगी, ऊपर से सूखने लगेगी, है ना, जड़ें मरने लगेगी और वो जो सिर होता है प्याज का वह भी गलने लगेगा और सड़ने लगेगा। तो अगर इस अवस्था में आपका रोपा है तो जल्द से जल्द ध्यान दें और रेडोमिल गोल्ड, एंट्राकोल जैसे फफूंद नाशियों का प्रयोग करें। और इसके दौरान अगर आपको आपके रोपे पर किसी भी प्रकार की इल्लियाँ या कीट नज़र आते हैं तो कीटनाशकों का इस्तेमाल करना आवश्यक है। कार्बोसल्फोन, प्रोफेनोफोस, प्रोफेनोसाइफर जैसे कीटनाशकों का बदल कर उपयोग करें और कीटनाशकों के साथ स्टिकर यानी कि चिपकों का इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि आपकी जो जड़ें हैं रोपे की उस पर कोई खाने के निशान तो नहीं है, आपके खेत में दीमक का प्रभाव तो नहीं है। अगर आपको नज़र आता है कि जड़ों को खाने खुरेदने के निशान बने हुए हैं और उसके कारण भी रोप पीला पड़ने लगता है तो दीमकों का इलाज कैसे करना है, इमिडेक्लोप्रिड 30.5 SC इस टेक्निकल का इस्तेमाल करना है जो कि इमिडा 305, कॉन्फिडर, इमिडो इस तरीके की दवाइयों में उपलब्ध है। और अगर आपको यह नहीं पता चल पा रहा है कि बीमारी क्या है तो आप एक कर सकते हो कि एक फफूंदनाशी यानी कि रेडोमिल गोल्ड, एक कीटनाशक यानी कि प्रोफेनोफोस या फिर प्रोफेनोसाइफर और एक टॉनिक आइसोबियम,
इनका मिश्रण मार सकते हो चिपको के साथ। हम अब बात करेंगे आखिरी कारक के बारे में, जो कि है नमी। अगर आपके खेत में आवश्यकता से ज़्यादा नमी बन जाती है, खास करके बारिश के मौसम में, तो उसके कारण भी पीलापन होता है। तो बारिश होने के बाद आपके खेत में पानी ना रुके, इस चीज़ की सावधानी बरतें। और अगर पानी रुका है तो उसको खेत से जल्द बाहर निकालें। और जब तक खेत पूरी तरीके से सूखे नहीं, सिंचाई ना करें। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका रोपा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।